देख रहे हैं ये क्रैंकशाफ्ट मशीन है। इस क्रैंकशाफ्ट मशीन के द्वारा क्या क्या होता है आपको हम बता रहे हैं। क्रैंकशाफ्ट मशीन है, इस क्रैंकशाफ्ट मशीन में आपके सीधे सीधे स्टेट टाइप की आपकी शाफ्ट ग्राइंड की जाती है और क्रैंकशाफ्ट भी इसमें ग्राइंड हो जाती है। इसमें जो बांधने का तरीका होता है वो आपको सरफेस गेज से नहीं बल्कि हम इसको क्या करते हैं स्ट्रेटली बांधने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर 10 माइक्रोन तक जो है शुद्धता में आपके जो को स्ट्रेटली बांध देता है। ठीक है, ऐसा नोकदार सेंटर होता है, इसमें एक सेंटर भी वो होता है घर में से अपने होल का चक्के बांध के देख सकते हैं लगाया जाता है। कैसे अपने इधर आप दिखाइए इससे ये लगा जो सेंटर लगा है जैसे होल्ड में लगाया जाता है उससे घुमा के ये भी एक तरह का इसका टैल स्टोक है। जैसे लैथ मशीन टैल स्टोक होता है वैसे ही है, एक तरह से टैल स्टोक है उस साइड से वो हेड स्टोक है उसको जो है वो चक में वो स्थिर रहता है तो वहाँ पर आपको क्रिया चक है वो लगा हुआ फिर उसमें टाइट कर दिया जाता है जनरली जैसे कि लैथ मशीन में करते हैं। ये सरफेस ग्राइंडिंग मशीन जो है और ये कौन सी मशीन है क्रैंक वाली, ये दोनों काम करती है, सरफेस ग्राइंडिंग जैसा भी काम करती है और क्रैंक भी बनाने में काम ग्राइंड करने में काम करती है। ठीक है, इसमें दोनों काम करती है। फिर इसको इसमें देखिए आप जो है जॉब को इसमें बनाया गया है। ठीक है, क्रैंक को बनाया गया है और इसमें आपका ये ग्राइंडिंग व्हील है, व्हील है ग्राइंडिंग व्हील है, जैसे कि अब ये कटिंग टूल है आपका। ठीक, ये डाया बन गया, उसमें वो डाया बना है, कितने डाया इन्होंने बनाए हैं इस मशीन को जो डाया को ग्राइंड करना होता है उसको हम शिफ्ट कर लेते हैं उसी ग्राइंडिंग को या सरफेस गेज से हम सेट करते हैं उसी तरह से इसको भी सेट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सब यूज करने के लिए माइक्रोमीटर वगैरह सब यूज करते हैं, डाल टेस्ट इंडिकेटर इसको यूज करते हैं। मैक्सिमम इसको बांधने के लिए डाल टेस्ट इंडिकेटर को यूज किया जाता है, सरफेस गेज हम यूज कम करते हैं क्योंकि इसमें एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा काम है। ये जैसे आप ये डाया देख रहे हैं एक इससे मैंने इन्होंने सेट किया है, ये डायल टेस्ट इंडिकेटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर से इधर का कोई चांसेस नहीं रहता है, वो 10 माइक्रोन 20 माइक्रोन तक आपकी शुद्धता में बांध देता है जबकि सरफेस गेज इतना नहीं बांध पाते क्योंकि उसको हम भाई आई से देखते हैं, आपको देखते हैं ना उसमें, इसमें क्या है सीधे डायल टेस्ट इंडिकेटर आपको रीडिंग बताती है कि 10 माइक्रोन बन गया। ठीक है, गार्ड दिया बेटा नंबर डाई के अंदर जो इसमें एक ये बकेट लगना है इसको सेट कर देख रहे हैं कि इस तरह से रनिंग करेगा इसमें। ठीक है, मूवमेंट मूवमेंट में कर रहा है ऐसे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, करने दो उनको करूँगा कितना कितना मूवमेंट रखना है क्या रखना है वो इसको हम अभी इसी नट बोल्ट द्वारा टाइट करके मिस्टर साहब बता रहे हैं आपको। इसको उसकी फिलिंग देख लेते हैं हम कहाँ तक इसको फिलिंग करना है। ठीक है, कितना दूर चलना है, कितना ये किस तरह से संपर्क चलना है। अब ये देख लो टाइट दोनों बोल्ट कर दिए लेकिन वो इसमें प्ले भी नहीं होनी चाहिए, प्ले होगी इसका मतलब ये गड़बड़ हो जाएगा। आपको हिला के देखो, मैं हिला के देखो उसमें प्ले तो नहीं लग रही है उसमें, यहाँ से देखो यहाँ प्ले नहीं होगी बिल्कुल भी इसमें नहीं आते हो कितना एकदम एक्यूरेट बनाया है। अभी से और टाइट किया जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं कनेक्ट नो स्क्रू रॉड है ये।